नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। आप जानते ही हैं, मैंने आपसे वादा किया था कि नेवी ट्रेड्समैन के फॉर्म की वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगा एक दो दिन में, लेकिन आपको पता चला कि सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन है, OTP नहीं आ रहे हैं जो आप कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल IDs डाल रहे हैं उसके माध्यम से। लेकिन मैं फिर भी दो दिन से जो है कंटिन्यूसली जो ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे ना कैसे मेरे पास OTP आ जाए, लेकिन नहीं आ पाया। उसके बाद आज मैंने फिर से ट्राई किया, मेरे पास लगभग 3 साढ़े 3 बजे OTP आए दोनों के। पहली बार में वो भी नहीं आए, मैंने फिर से ट्राई किया, दूसरी बार में OTP मेरे पास आ गए। मैंने जो आप लोगों से वादा किया कि एक एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, गलती से भी अगर कुछ मिस हो जाता है फॉर्म में फिल करते टाइम तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए परसों से पहले पहले बना दूंगा जिससे कि आप जो है फॉर्म और अच्छे तरीके से फिल कर पाएँ। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद कि आप लोगों का फॉर्म में किसी भी तरीके का यहाँ पर त्रुटि होना मुश्किल होगा, क्योंकि गलती की संभावना ना मैं रखता और ना आप लोगों से चाहता। जो बच्चों को मैं बोल चुका था कि ट्रस्ट ऑन मी फॉर्म की वीडियो ज़रूर आएगी, उन बच्चों ने मुझ पर ट्रस्ट किया और वो अभी तक मेरे लिए जो है वेट कर रहे हैं कि सर फॉर्म की वीडियो जब लेकर आएंगे तब हम फॉर्म को फिल करेंगे। तो थैंक यू सो मच इतना ट्रस्ट आप लोगों का दिखाने के लिए। और मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, स्टडी मटेरियल आप लोगों ने ले लिया है नेवी ट्रेड्समैन का और तैयारी आप लोगों की जोरों शोरों से चल रही है मुझे पता है। नहीं लिया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हिंदी इंग्लिश दोनों का, जाकर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फॉर्म का, जाकर जो है कैसे आपको करना है, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे इस तरीके का पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, अगर रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी क्लिक कर लिया तो लॉगिन पर क्लिक करके भर लेना, लेकिन मुझे पता है मेरी बात मानी है तो रजिस्ट्रेशन भी आपने नहीं किया होगा। एक छोटा सा काम आप लोगों को जो करना है वो ये करना है कि हाउ टू अप्लाई वाला पार्ट जरूर ओपन कर लेना, हाउ टू वाला अप्लाई वाला जो पार्ट है या तो पहले देख लेना, जिससे कि और भी डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। आगे मैं बढ़ता हूँ, मैंने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके हम जो है इस पेज पर बढ़े। इस पेज पर बढ़ने के बाद हमारा जो है क्लिक करते रजिस्ट्रेशन का ऐसा पेज ओपन हुआ, हमने यहाँ पर बेसिक डिटेल्स डाली। अगर आप लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है तो नो करेंगे, वैसे 100% बच्चों के पास आधार कार्ड है मुझे पता है, अगर नो करोगे तो दूसरे तरीके से आप लोगों से डिटेल्स मांगेगा। अगर आप लोगों का आधार कार्ड है तो यहाँ पे भी वही डालना है, यहाँ पे भी वही डालना है, सेम आधार नंबर डालना है जिससे कि वेरीफिकेशन हो जाए। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपने नाम का टाइटल डालना है, मैं महिला से फॉर्म फिल कर रहा हूँ ताकि फॉर्म की फ़ी होती है वो लगे ना, और बच्चे का जो फॉर्म है वो एंड तक मैं फिल करके बता दूँ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि महिलाओं के लिए फ़ी का क्राइटेरिया यहाँ पर कोई नहीं है, SC ST के लिए फ़ी का क्राइटेरिया कोई नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को अपना टाइटल डालना पड़ेगा, सैल्यूटेशन भी आप लोग बोल सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों को आपके फादर का नाम डालना पड़ेगा, मतलब अपना जो है फर्स्ट नेम डालना पड़ेगा, सॉरी फादर बोला, फर्स्ट नेम डालोगे और उसके बाद जो है यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम कन्फर्म करोगे। और यहाँ पर जो है आप लोग मिडिल नेम यूज़ करते हैं, जैसे गौरव रमेश गुप्ता जैसे नाम होता है तो बच्चा मिडिल नेम यूज़ कर सकता है। कोई आप लोगों का यहाँ पर जो है कंफर्म करने के लिए, तो अगर जो मिडिल नेम है मिडिल नेम आपको यहाँ और यहाँ डाल देना, अगर यूज़ करते हैं तो, नहीं डालते तो लास्ट नेम यूज़ करते होंगे, लास्ट नेम में आप जैसे मैंने यहाँ पर गुप्ता डाल रखा है, आप जो है अपने सरनेम के अकॉर्डिंग डाल देना। और अगर खाली फर्स्ट नेम आप लोग यूज़ करते हैं तो फर्स्ट नेम जो है आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं फर्स्ट नेम के लिए। ये तो हो गया, उसके बाद नीचे आप हल्का सा स्क्रॉल करेंगे इसी पेज पे तो यहाँ पर और भी डिटेल्स मांगेगा जो आपकी है। यहाँ पर आपके फादर का नाम कंफर्म करने के लिए बोलेगा, उसके बाद मदर का नाम कंफर्म करने के लिए बोलेगा। उसके बाद यहाँ पर जो आप लोग को जेंडर डालना है, जेंडर जो भी आपका, ठीक है, और जेंडर के बाद जो है वेरीफाई आपको जेंडर भी करना है, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद आपको मैरिटल स्टेटस डालना है, मैरिटल स्टेटस डालने के बाद आपको किस कैटेगरी से फॉर्म को फिल करना है वो आप कैटेगरी डाल देना। ध्यान रखना अगर आप जनरल के अलावा और कोई कैटेगरी चूज़ कर रहे हैं तो आपको अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। और ध्यान रखना सेंटर का डॉक्यूमेंट यहाँ पर लग रहा है तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर स्टेट का लगेगा, तो आप लोग को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए जाओगे, एडमिट कार्ड तो आ जाएगा, खुश हो जाओगे उस टाइम पर, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए जाओगे ना उस टाइम पर आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि वो आपका जो है DV ही रिजेक्ट कर दे, या फिर जो है आप लोगों को थोड़ी सहूलियत दे के एफिडेविट या फिर जो भी आपका सेंटर का है उसे बनवाने की आपको परमिशन दे दे। इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि ऐसा जो है क्राइटेरिया मेरे सामने नहीं आया, ये जो मेरे को एक्सपीरियंस है इसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ।
उसके बाद यहाँ पर आपको अदर डिटेल्स पे क्लिक करना है। अदर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अदर डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप लोगों को अपनी DOB डालने का ऑप्शन दिखाई देगा। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आप लोगों को ध्यान से फिल करना है। फ्री के पैसे नहीं आ रहे, 205 रुपये के आसपास आई थिंक फ़ी लग रही है, तो फ्री के पैसे नहीं आ रहे। ध्यान से बिल्कुल केयरफुली आपको फॉर्म को फिल करना है। और उसके बाद जो है यहाँ पर देख लेना, ये जो अदर डिटेल्स है इसमें कुछ मिस तो नहीं है। वैसे यहाँ पर एक ही ऑप्शन होगा आपको फिल करने का। यहाँ पर जो है आप लोगों को ये डाल देना बस, DOB, ठीक है। और अगर आप स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं तो यस कर देना। उसके बाद स्पोर्ट्स खिलाड़ी की डिटेल्स मांगेगा, और बाकी जो यस करना है आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग यस करके जो डॉक्यूमेंट मांगे, जो डिटेल्स मांगे वो फिल कर लेना। कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, नीचे की साइड जो आ रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है। इसमें क्या कर रहा है, इसमें आप लोगों को अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, आपको OTP लेना है। OTP आप करेंगे, देखो मैंने रिसेंट रिसेंट कर रखा है ना, क्योंकि पहली बार में जो है OTP नहीं आया था। आपका जो OTP है मे बी थोड़ा सा टाइम ले सकता है, क्योंकि OTP का ही खेल है। अगर OTP वेरीफाई नहीं हुआ तो समझो आपका फॉर्म सही तरीके से नहीं फिल हो पाएगा। OTP यहाँ पर कंपलसरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। OTP कैसे आएगा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। OTP के लिए इस तरीके से, एक तो आपको SMS दिया जाएगा। आपका जो SMS है वो NSEIT से आएगा, ठीक है, ध्यान रखना NSEIT। ये इस तरीके की जो है आप लोगों के लिए डिटेल्स जो फॉरवर्ड करती है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पर जो है ईमेल वाला OTP आपको मैं दिखा देता हूँ। जो ईमेल पे OTP आएगा वो इस तरीके से आएगा, तो दोनों आप लोगों को वेरीफाई करने पड़ेंगे, ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद ये जो नंबर है मैंने जानबूझ के यहाँ पर मैंशन किया है, ये नंबर है 7982838385, 7982838385। ये नंबर है, बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टडी मटेरियल नहीं परचेज कर पा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक तो दे ही रहा हूँ परचेज करने के लिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं उनको दिक्कत आ रही है परचेज करने में। तो आप डायरेक्टली फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से इस नंबर पे 70 रुपये पे कर सकते हैं, और मैं जो है आपको डायरेक्टली मटेरियल आपके व्हाट्सअप के माध्यम से या फिर आप लोगों को किसी भी तरीके से ईमेल के माध्यम से आपको टेक्स्ट मैसेज करके PDF सेंड कर दूंगा। तो इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। जो भी मटेरियल है हमारा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बस दो चैप्टर नहीं है, पहली बता दूं, टिग्नोमेट्री वाले जो चैप्टर्स हैं वो उसमें नहीं है, क्योंकि टिग्नोमेट्री का नया जो है यहाँ पर क्राइटेरिया इन्होंने इन्वॉल्व किया है। टिग्नोमेट्री का छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, और जो जनरल अवेयरनेस है वो थोड़ी सी आपको बाहर से देखने पड़ेगी। बाकी के लिए आप हमारे जो है स्टडी मटेरियल पर डिपेंड रह सकते हैं। उसके बाद ये करने के बाद आपको समरी पे क्लिक करना है। ये जो समरी वाला है, समरी पे क्लिक करेंगे सारी डिटेल्स चिट्ठा आप लोगों के सामने आ जाएगा, एक एक चीज़ आप लोगों की बता दी जाएगी। फिर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म जो है आपको सबमिट होता हुआ दिख जाएगा, रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगा आप लोगों का। अब जो मेन काम होता है वो होता है फॉर्म को फिल करने का पूरा। लॉगिन करेंगे आप लोग, लॉगिन करेंगे तो ये चार आपको चीज़ें फिल करने पड़ेगी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपका जो ID है और जो पासवर्ड है वो आपको ईमेल के माध्यम से या फिर जो है आप लोगों को कॉन्टैक्ट डिटेल्स के माध्यम से, जैसे ये मेल आया ना, ये दिखा देता हूँ मैं, ये NSEIT, इस तरीके से आपके पास ईमेल आएगा। इसमें और SMS आएगा, इसमें आपकी जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगी, मतलब लॉगिन डिटेल्स होगी, जिससे यहाँ पे लिखा भी होगा कि आपकी लॉगिन डिटेल्स हमने ईमेल के माध्यम से कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से भेज दिए। फिर आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर अपनी डिटेल डालेंगे जो आपको मेल पे या फिर जो SMS के माध्यम से फॉरवर्ड की गई है। उसके बाद आप लोग साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपको इस तरीके का पेज दिखाई देगा। उसके बाद आपकी मर्जी, आप हिंदी में फिल करना चाहते हो, इंग्लिश में करना चाहते हो, आप फिर जो है चेक पे क्लिक करेंगे। नीचे नीचे होगा सबसे, मैंने आधी डिटेल्स गायब कर दिया है, 205 रुपये देखो फ़ी बता रहा है। और जो ये कैटेगरी है, जो SC है, ST है, फीमेल है, एक्स सर्विस मैन है, PWD, इनके लिए कोई फ़ी नहीं है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे चेक करने के बाद। उसके बाद जो है आप आगे बढ़ेंगे। आगे जो है आप लोगों को, अब एक और चीज़ बता दूं, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि हम अपनी सारी क्वालिफिकेशन बता देंगे तो हमारा जल्दी जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो यही बोलूँगा मैक्सिमम से मैक्सिमम, अगर आप 12th पास ग्रेजुएट हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ये वाला कॉलम फिल कर लो, बाकी सारा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी ये जो है आपकी 10th की और ये जो ITI की, ये तो कंपलसरी, ये तो आपको फिल ही करनी पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। तो मैं दो फिल आपको करके बता देता हूँ। पहला मैं 10th की डिटेल्स आपको फिल करके बता देता हूँ। इसमें क्या है कि 10th में आपको सबसे पहले 10th लिखना है। 10th लिखने के बाद आपको जो अपने बोर्ड लिखना है, बोर्ड चूज़ करना है, जो भी आपका बोर्ड है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग है, सर्टिफिकेट नंबर है। उसके बाद आपकी जो टाइप ऑफ एवोल्यूशन है, मार्क्स है, वो किस में आए थे, CGPA में आए थे, परसेंटेज में आए थे। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को यहाँ पर टोटल CGPA लिखना है कि कितना था और कितना आप लोगों को मिला है वो लिखना है। अब आपको किस क्लास से पास हुए हैं,
फर्स्ट क्लास से, सेकंड क्लास से, थर्ड क्लास से, वो आपको अकॉर्डिंगली चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपकी ITI की डिटेल, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, यहाँ पर आपको ITI की डिटेल्स डालनी है इसके बेसिस पे, ITI की डिटेल्स। उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है आप लोगों का ITI का है, तो ITI की डिटेल्स मैं फिल कर देता हूँ। ITI के लिए आपको जो है यहाँ पर ITI की डिटेल्स डालनी है, ITI वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप लोगों को ITI फिल करना है, सबसे पहले ITI का नाम लिखना है, जो भी आपकी ट्रेड है, पेंटर है, कोई सी भी ट्रेड है वो आपको फिल करनी है। उसके बाद आपको बोर्ड मेंशन करना है, बहुत सारे बच्चों ने बोर्ड में गलती करी है, तो यहाँ पर NCVT है, SCVT है, वो आपको मेंशन करना है, कॉलेज का नाम नहीं करना या कोई और चीज़ यहाँ पर नहीं लिखनी है। आई होप कि इसी तरीके से आपने फिल किया होगा। ईयर ऑफ पासिंग 2018 मेरा है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया, सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया, परसेंटेज का एवोल्यूशन किस में हो रहा है तो वो अकॉर्डिंगली देख लेना, CGPA में हो रहा है, परसेंटेज मार्क्स के बेस पे हो रहा है, एग्रीगेट मार्क्स इतने थे और जो है कितने में से मिले, इतने में से मिले, परसेंटेज इतनी बनी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्लास फर्स्ट से पास हुए, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ पर जो है और भी डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद आपको एडिशनल पे क्लिक करना है, एडिशनल पे क्लिक करेंगे तो एडिशनल डिटेल्स पे आप लोगों को और भी डिटेल्स यहाँ पर डालने के लिए बोलेगा। ये तो नॉर्मल ही है, यहाँ पर आप लोगों को अपना जो है कमांड चूज़ करनी है, तो हम कमांड अकॉर्डिंगली 3 चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आपको अपना रिलीजन चूज़ करना है, सिटीजनशिप तो ऑलरेडी आएगी चूज़ किए हुए। उसके बाद विजिबल मार्क्स है आपके चेहरे पे कहीं पे, तो वो आपको मेंशन कर देना, जैसे मैंने मोलिन लेफ्ट आई तिल डाल दिया, उसके बाद स्कार डाल दिया, निशान है मिडल फिंगर में लेफ्ट हैंड की, तो इस तरीके से मैंने डिटेल्स डाल दी। उसके बाद सिटी डालनी है, उसके बाद आप लोगों को एग्जामिनेशन की सिटी में 3 सिटी चूज़ करनी है, तो अकॉर्डिंगली जो आपके पास की है उसमें आप चूज़ कर लेना। उसके बाद यहाँ पर नीचे हल्का सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर एड्रेस की डिटेल्स मांगेगा, एड्रेस डाल देना, यहाँ पर चेक का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट करना, अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको चीज़ें अपलोड करने के लिए बोलेगा। सिग्नेचर देखो मैंने सब कुछ सही अपलोड किया है, ग्रीन सिंबल आ गया मेरा। उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, आपके सर्टिफिकेट हैं, आपकी मार्कशीट है, वो सब अपलोड करने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। फिर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, नीचे की साइड पे आपको दिखेगा ऑप्शन, मैंने आधी डिटेल्स हाइड कर रखी है। उसके बाद जो है सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद जो है आप लोगों को समरी दिखाई देगी, आपकी पूरी की पूरी समरी दिखाई देगी, मतलब समरी से पहले आप लोग ये समरी का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके बाद समरी देख लेंगे आप पूरी डिटेल्स, हाँ जी सब कुछ वेरीफाई है, अगर लगता नहीं है कि लगता है कि कुछ गलत है तो नीचे एडिट का ऑप्शन भी दिखाई देगा। उसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो भाई इसमें लड़की है तो लड़की को तो कोई फी देनी नहीं थी, तो इस तरीके से आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसका स्नैपशॉट ले लेना। फॉर्म सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पे जाएंगे, ये कैंडिडेट डैशबोर्ड है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक और चीज़ दिखाई देगा, यहाँ पर बच्चे की थोड़ी सी डिटेल्स और यहाँ पर ये कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म। ये फॉर्म आपको संभाल के रखना है, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा, दिक्कत हो सकती है, जब DV के लिए जाओगे तो आपको इस फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। और जो है ध्यान रखना कि जो फॉर्म है वो आप अपने की जो कोई जान पहचान का है उसको भी शेयर कर लें और अपने पास भी शेयर कर लें, क्योंकि जब आप लोग का एडमिट कार्ड रहेगा उस टाइम पर भी आपको दिक्कत होती है। बाकी मैं बता देता हूँ कैसे एप्लीकेशन नंबर निकलता है, लेकिन आप लोग को खुद ही इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा अपनी साइड से भी केयरफुल होकर चलना। और बाकी जो है मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। इसके अलावा भी आप लोगों के माइंड में कोई सवाल आता है तो बता दो भाई, मैं और वीडियो बना दूंगा। 7 तारीख अभी दूर है, फॉर्म को आज ही फिल कर लो, मैंने जो है सब कुछ क्लियर आप लोगों का कर लिया है। अब आप लोगों को किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, स्टडी मटेरियल डिस्क्रिप्शन में है, तैयारी करना स्टार्ट कर दो स्टडी मटेरियल के माध्यम से। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, दोनों चैनल पे फॉर्म की वीडियो डाल रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को समस्या ना हो। धन्यवाद।